बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शमा व्लॉग में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। जनाब कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करे आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, खुश हों। तो जनाब हम जा रहे हैं आज शुमाली इलाका जात के सैर को, और फैसलाबाद से हमारा सफ़र शुरू होगा। और इस वक्त टाइम हो गया है 10:45 बज गए हैं सुबह के। इस्लामाबाद तक तो हम जाएंगे, और फिर इस्लामाबाद जाते जाते रास्ते में हमने डिसाइड करना है कि पहले तो हमारा नारान वगैरह जाने का प्रोग्राम है, तो फिर देखते हैं कि डायरेक्ट नारान जाते हैं या किसी और साइड को इस्लामाबाद से मुड़ जाएं। तो आप चलिए मेरे साथ, आप रास्ते में इंजॉय करें, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किधर किधर से जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें रास्ते में आती हैं। ये फैसलाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर बाहर ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये शुरू हो गई है जनाब यहाँ से मोटरवे का एरिया, लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाले जो हैं वो इस रोड से जाते हैं, ये मोटरवे है। यहाँ से लाहौर वाले जो हैं वो राइट साइड को मुड़ जाएंगे, और इस्लामाबाद वाले जो हैं वो रोड के इस तरफ से मुड़ जाएंगे। ये रोड जो है ये इस्लामाबाद मुड़ जाएंगे। दरियाए जेहलम आ गया है, पानी काफ़ी है यहाँ पे, तो ये कश्ती जा रही है दरियाए जेहलम में। ये कलर कहार का पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रालर वगैरह खड़े होते हैं। ये सीन यहाँ से मुझे बड़ा पसंद है, बहुत प्यारा लगता है यहाँ से जब गाड़ी टर्न होती है, ऐसे घूमती है। और जनाब ये शुरू हो गई अब चढ़ाई, बिल्कुल स्लो स्पीड हो गई एकदम। वो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये साल्ट रेंज का, वो कहते हैं एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये है कलर कार का रेस्ट एरिया। इस्लामाबाद सिटी को जाने वाले जो हैं वो इस तरफ घूम जाते हैं म्यूजियम भी इस तरफ है और खानपुर डैम भी इस तरफ है।
हैदराबाद है जी यहाँ से 49 और हवेलियाँ हैं 31 किलोमीटर। गिलगित यहाँ से 400 किलोमीटर है, मानसरा 47 किलोमीटर। एबटाबाद पहुँच गए हैं, बादल यहाँ पे हो गए हैं और मौसम बड़ा अच्छा है। पीछे वाला इलाका तो बहुत गर्म था, यहाँ मैंने गाड़ी का शीशा खोला है तो हवा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। देखिए बादल है, आंधी आ चुकी है। ये देखिए गाड़ी के क्लच प्लेट बैठ गई है। ये राइट साइड पे देखिए जी एबटाबाद का मुख्तलिफ इलाके हैं और ये है एबटाबाद की टनल। बाहर आ गए हैं 4:52 पे, 4:52 पे, यानी 2 मिनट का फासला है। बाहर बड़ी हवा चल रही है तेज, मौसम बिल्कुल भी गर्म नहीं है। सेकंड टनल भी आ गई है, 372 मीटर इसकी लंबाई। देखते हैं कि ये टनल कितने मिनट में हम तय करते हैं। 4:55 पे हम इसमें एंटर हुए हैं। मुझे लगता है ये छोटी सी टनल है क्योंकि बाहर से दूसरी साइड से मुझे रोशनी भी नज़र आ रही है। हाँ जी, अब हम आ गए हैं टनल से बाहर। ये छोटी वाली टनल है, बाहर पाइक का नज़ारा बहुत खूबसूरत और इस इलाके के जो मखसूस दरख्त हैं ये देखिए, ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला ये दरख्त जो है। इस वक्त हम बैठे हैं सिल्क मोटर एबटाबाद में। हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट का मसला हो गया है, वो ख़राब हो गई है। पता नहीं आगे हमारा सफ़र जारी रहता है या हमें यहाँ से ही वापस फैसलाबाद जाना पड़ता है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है।